तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको मथुरा ले चलूँगा, और कल जैसे कि वीडियो में मैं बता नहीं पाया आपको, थोड़ा सा मथुरा से पहले हमारा गांव पड़ता है राधाकुंड। आपने सुना होगा बहुत जने यहाँ पर परिक्रमा लगाने के लिए आते हैं। जितनी भी परिक्रमा के स्थल हैं वो कवर करवाऊँगा। हमारा घर है राधाकुंड के अंदर, ठीक है। तो राधाकुंड के अंदर से ही परिक्रमा सबकी लगती है। वैसे गिरिराज जी से भी चालू कर लेते हैं। चालू करने के लिए तो आप जहाँ से आपका मन हो वहाँ से आप चालू कर सकते हैं। और हमारा घर यहाँ से है तो हम हमेशा ही राधाकुंड से अपनी परिक्रमा उठाते हैं। परिक्रमा गोवर्धन से देते हुए राधाकुंड पे आके ही समाप्त करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम राधाकुंड से बिलोंग करते हैं, तो राधाकुंड में सबसे अच्छी चीज़, जो वैसे तो सभी बहुत अच्छी अच्छी जगह है, लेकिन मैं एक यूनिक सी जगह दिखा रहा हूँ आपको, जो राधा रानी है, राधा कृष्ण मिलन, जैसे संगम के नाम से जाना जाते थे, जो बीच में ये आप देख रहे होंगे, ये संगम के नाम से जाना जाता है। इस साइड की तरफ कृष्ण कुंड है और इस तरफ राधा रानी है, ठीक है गाइज। तो गाइज, जैसा कि आपको मैंने बताया है कि हम राधा रानी के पास खड़े हुए हैं, और आज पूरा कवर करेंगे हम राधा रानी की परिक्रमा। इधर इस परिक्रमा में क्या क्या होता है और कितनी चीज़ें आती हैं, ये सब हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो हम जब जैसी परिक्रमा उठाएंगे, ये थोड़ी सी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें मैं बहुत चीज़ें कवर करूँगा, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखें। राधा रानी को पहले हाथ जोड़कर यहाँ से परिक्रमा उठाते हैं। तो गाइज, अभी राधा रानी की परिक्रमा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। इस तरफ पीछे की साइड मेरा घर पड़ता है, और जो गिरिराज जी की परिक्रमा देते हुए आते हैं यात्री आते हैं वो यहाँ से आते हैं, और हमें इस तरफ जाना है पीछे की तरफ। ये हमें पीछे की तरफ जाना है परिक्रमा के लिए, राधा रानी की परिक्रमा के लिए। तो अभी शुरू करते हैं, परिक्रमा की शुरुआत कर रहे हम, ठीक है। जाओ राधा रानी की। तो आ जाओ भाई, मैं अपने छोटे वाले भाई को लाया हूँ इसी चक्कर में, ताकि वो फोन पकड़ सके। तो देखो गाइस, मालाएं मिल रही हैं। तो मैं भी देख रहा हूँ ना, पर मैं और अभी ये बंद कर रखा है, ठीक है। अभी ये बंद कर रखा है, यहाँ पूजा स्थल है। तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो, अभी ये 13 तारीख को मेला लगने वाला है गुरु पूर्णिमा का, तो उसकी वजह से ये जालियाँ लगा रखी हैं, वरना आप नीचे जाकर स्नान कर सकते हैं। तो गाइस, अभी थोड़ी गर्मी हो रही है पर मज़ा बहुत आ रहा है चलने में। जैसे कि देख रहे हो दुकानें कितनी पड़ रही हैं, देखो इस साइड भी दुकान है, एक माला वगैरह मिल रही है इसमें, चंदन की माला होती है सारी। और हम मैं फिर बता दूं कि सिर्फ राधा रानी की परिक्रमा दे रहा हूँ अभी फ़िलहाल, अगर मैं पूरी परिक्रमा दूंगा तो काफ़ी बड़ा ब्लॉक हो जाएगा, तो कोई देखेगा नहीं जल्दी से। इस चक्कर में मैं एक एक करके पार्ट में ये वीडियो अपलोड करूँ। तो गाइस, ये है ललिता कुंड जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, कुंड है, और यहाँ बैठने की भी सुविधा दे रखी है, जैसे कि आप देख सकते हैं जाली लगा रखी है, ये प्रशासन की वजह से लगा रखी है। अभी 13 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, उस चक्कर में ये सब कुछ इंतजाम हो रखा है ताकि कोई इसमें गिर ना जाए। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे, शाम के 4 बज रहे हैं और मेरे पीछे देख रहे हो कोई भी बंदा रुकने का नाम नहीं ले रहा, सब चले जा रहे हैं, सब परिक्रमा लगाए जा रहे हैं। जब ठाकुर जी बैठे हुए हैं तो इस धूप से क्या डरना, बोलो राधे राधे। ये भजन हो रहे, ये है गोपी कुआं, और जो कृष्ण जी थे हमारे ठाकुर जी, वो यहाँ करते थे रासलीलाएं, यहाँ पे गोपियाँ आती थी पानी भरने के लिए, और बहुत ही शानदार लग रहा है, बहुत अच्छा बना रखा है। तो फ्रेंड्स, ये है गोपी कुआं, मैं बता दूं गोपियाँ आती थी यहाँ पर पानी लेने के लिए, तो यहीं पर कृष्ण जी रहा करते थे, उनने के लिए रासलीला कह सकते हैं हम। तो आप देख सकते हो, मैं इसे आपको दिखाना चाहूँगा कुआ को, तो गाइस एक बारी देखिए, ये देखिए गाइस कुआ काफ़ी अच्छा बना दिया पत्थर लगाकर। हम सिर्फ राधा रानी की परिक्रमा लगा रहे हैं अभी, ना कि गिरिराज जी की। गिरिराज जी की परिक्रमा होती है 4 से 4.5 घंटे की, जो कि हम कवर नहीं कर पाएंगे अभी। हम सिर्फ आपको राधा रानी की परिक्रमा दिखा रहे हैं, और वो हम आपको दूसरे ब्लॉक में दिखाएंगे, गिरिराज जी की परिक्रमा जहाँ पर बहुत सारे धर्मस्थल पड़ते हैं वो दिखाएंगे हम। दान घाटी पड़ते हैं गिरिराज जी, जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने एक उंगली से, अपनी कन्नी उंगली से पर्वत जी को उठा रखा है, ये देख सकते हो, ये मंदिर है।
बस हम पहुंचने वाले हैं श्याम कुंड, और ये देखिए श्याम कुंड कृष्ण कुंड बात देखिए, और ये सामने लिखा हुआ है श्याम कुंड, और ये देखिए श्याम कुंड के बाद ये जो सामने दिख रहा है आपको ये भी श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। बाबा जी ओ बाबा इनको पूछिए कब अच्छा अच्छा ये बता देंगे। अच्छा इनको पता होगा सारा। चलिए कृष्ण कुंड से थोड़ा सा आगे से श्याम कुंड से थोड़ा सा आगे आ गए, और ये नीचे जाने नहीं देंगे नीचे, क्योंकि ये देखिए ये प्रोग्राम कर रखा है, मैंने बताया ना 13 तारीख का गुरु पूर्णिमा है, तो उस चक्कर में ये बंद कर रखा पूरा रास्ता। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो बिल्कुल एक अलग ही अनुभव है यहाँ पे। ये देखिए गाइस ये कृष्ण जी का सारा सामान मिल रहा है, ये पूरा सामान दिख रहा है आपको। देखिए बच्चों के कपड़े मिल रहे हैं कृष्ण जी के, जैसा कि हमने दिखाया आपको अभी बच्चों के कपड़े मिल रहे हैं, पीछे कृष्ण जी के कपड़े मिल रहे हैं, कृष्ण जी का सारा सामान मिल रहा है। और जिसको भी मैंने जैसा मैंने पहले ब्लॉग में बताया था आपको कि मैंने आपको बताया था कि किसी को भी कृष्ण जी के कपड़े चाहिए हो तो वो एक बार मुझे कमेंट करे, और मैं अपना नंबर मेंशन कर दूंगा, मुझे एक बार कॉल करके बता दें कि मुझे इस रंग के कपड़े चाहिए कृष्ण जी के, मैं वो ला के दे दूँगा उन्हें। ठीक है गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं ये भोले बाबा का मंदिर है, और थोड़ा सा आगे चलते ही ये हमारा राधा रानी जी आ जाती हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भी जाली लगी हुई है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ किस लिए ये जाली लगी हुई है। और आज तो खैर यहाँ इतनी भीड़ नहीं है, एक आधे दिन में इतनी भीड़ हो जाएगी कि गाइस जिस तरीके से भी मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, शायद ही मैं आपको इतना खुल के ये जो सब चीज़ें दिखा रहा हूँ मैं ये चीज़ें आपको दिखा पाऊँ, क्योंकि उस टाइम पर पैर रखने तक की भी जगह नहीं होगी। जैसा कि गाइस आप लोग देख रहे हैं के पीछे हमारे राधा कुंड है, और इस कुंड में जो ये जाली लगा रखी है गुरु पूर्णिमा के चक्कर में लगा रखी है, मैंने आपको बताई दिया, और हमारी परिक्रमा राधा रानी की पूरी होने वाली है। अब चलते हैं आगे। ठीक है ना। तो अभी जहाँ से स्टार्ट करी थी वहीं पे होती है परिक्रमा हमारी खत्म। जय हो प्रभु की, जय राधा रानी की, जय हो। हमारी परिक्रमा खत्म हुई है, और ये ब्लॉग हम करते हैं यहीं पे ख़त्म। मेरे ब्लॉग को लाइक कर दो, मेरे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। बोलो गिरिराज जी महाराज की जय। झलक शर्फी श्रीवल।